हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्री पॉइंट साटा केस यूएसबी और ये मैं अमेजोन से मैंने मंगवाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा जो केस है, मैंने अभी इसको रेगुलर यूज़ तो नहीं किया पर इसकी स्पीड और कैपेसिटी हार्ड ड्राइव उठाने की काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ साथ क्या मिला हुआ है। जी मुझे एक लीड मिली है टाटा ट्रांसफ़र के लिए कि ताकि मैं डाटा ट्रांसफ़र कर सकूँ। और इसके साथ मुझे ये मिला है केस, इसमें हम छोटी हार्ड ड्राइव और साटा हार्ड ड्राइव 3.5 इंच वाली भी इसमें लगा सकते हैं। दोनों हार्ड ड्राइव यहाँ यूज़ हो सकती है। और ये आगे बटन दिया हुआ है, ये कॉपी का बटन है और पीछे पावर बटन। और इस बटन से आप हार्ड ड्राइव लगा के ऑफलाइन भी कॉपी कर सकते हैं बिना ही कंप्यूटर के। आपको कोई डाटा कॉपी करना है तो हार्ड ड्राइव, इन दोनों में हार्ड ड्राइव लगा देनी है और एक हार्ड ड्राइव का दूसरे हार्ड ड्राइव में डाटा कॉपी करना है तो हार्ड ड्राइव लगा के कॉपी का बटन दबाना है तो दबाने से आपका डाटा एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ हमने डाटा की कॉपी करने वाली लीड लगानी है और ऑन ऑफ वाला बटन दबा देना है। मैं आपको इसकी फिटिंग करके दिखाता हूँ कैसे आपने फिटिंग करना है तो कैसे ही हार्ड ड्राइव लगा कर इसको इस्तेमाल करना है। जी लीड उनकी तरफ से पैकिंग में आई हुई है, इसको डॉक्टर के अंदर ये देखें आप, ये बहुत लूज है, बहुत हल्की क्वालिटी की इन्होंने ये लीड दी है। ये देखें इसमें ऐसे तो ये गिरती जाएगी, इससे अच्छा है कि मेरे पास पुरानी हार्ड ड्राइव साटा जो मेरा ख़राब हो चुका था उसकी लीड पड़ी हुई है, मैं उसको लगा देता हूँ। ये देखें इतनी टाइट होनी चाहिए ता जो बार बार ना निकले। और ये देखें ये तो ऐसे ही गिरते जा रही है, इससे हमारा गिरने से डॉक्टर ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं वो ही हार्ड लीड लगाऊंगा जो इस पर सही तरह लग रही है। अभी इसमें मैं हार्ड ड्राइव लगा के आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है 2 टेराबाइट की, अभी मैं इसको लगा रहा हूँ। आपने ज़्यादा इससे प्रेशर या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रखोगे तो इसमें हार्ड ड्राइव लग जाएगी। और दूसरी मेरे पास 4 टेराबाइट हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है, इसको भी हमने ऐसे ही लगा देना है सेम तरीके से। अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं कि इसकी स्पीड और कॉपी करने की स्पीड कितनी है और इस पे हम काम करना प्रॉपर काम रेगुलर वे से कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेरा काम जो है वो एडिटिंग का है, वीडियो गाने या वीडियो वेडिंग के सॉन्ग हाईलाइट मैं तैयार करता हूँ और इसके लिए मेरे पास हार्ड ड्राइव की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने इसलिए ये साटा केस मंगवाया था। अभी इसको देखना है कि इसमें मैं एडिटिंग कर पाता हूँ या नहीं, इसकी कितनी स्पीड आ रही है। जी देख सकते हैं जो लाइटें हैं जो 25% और 50% 75% 100% दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप जब डाटा कॉपी करना चाहो तो बटन दबाते ही आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट आपका कॉपी हो चुका है।
ये ऑफलाइन कॉपी करने का फंक्शन है, इसको तभी ही छेड़ें जब आपको कहीं से डाटा लेके आना है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो इसको आप उसके पास ले जाके उसकी हार्ड ड्राइव से डाटा निकाल सकते हैं। इसमें दोनों हार्ड ड्राइव यूज़ की जा सकती है, छोटी हार्ड ड्राइव भी और बड़ी हार्ड ड्राइव भी। आप चाहे छोटी हार्ड ड्राइव से बड़ी हार्ड ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र कर लो, चाहे दोनों बढ़िया हार्ड ड्राइव लगा के डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए मैं अपने लीड यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया है और हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। ये मेरी दास सीक्रेट 4 TB और दास 7 hour फिल्म दूसरी हार्ड ड्राइव है। अभी मैं इसमें से 4 TB वाली से 80 GB का डाटा दूसरी हार्ड ड्राइव में डाल रहा हूँ। ये देखो हमारा 80 GB का डाटा 83 GB का डाटा जो है 10 मिनट में कॉपी हो रहा है, वो भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। मेरे पास सारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है क्योंकि मेरे पास मैक है, मैक में इंटरनल हार्ड ड्राइव नहीं लगती। ये मैक पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है और विंडो पे भी। आप इसको बेझिझक हो के खरीद सकते हैं। ये इसका वारंटी का कार्ड दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ से मुझे ये कोरियर लगाया गया है गुड़गांव हरियाणा से। ये उनका एड्रेस दिया गया है, जब आपकी प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आ जाए इस केस में तो ये एड्रेस आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा आपको कोरियर लगाने के लिए। और ये देखें इन्होंने 5 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था और 5 तारीख इन्होंने इस पर डाली हुई है।